किस कर मुझल गया। मुझे विश्वास नहीं बनता कि मेरे हस्बैंड मुझ पे केस करके जाएगा, क्योंकि हम लोग एक दिन भी नहीं रहते थे। आज ऐसा ना बता गया ना भैया कि एक एक महीना हम लोग बिना बात किए हुए। मतलब जैसे थाना पे पहुंची उनको देखने का मन करने लगा बहुत भैया। फिर मैंने देखने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मैं तगड़ा प्यार है पूजा। मैंने प्रशासन को बोल लिया कि मेरे हस्बैंड काम, तो उन्होंने बोले अपने ससुराल में आकर धरना में बैठ चुके हैं। और आप अब कल से हम अपना पढ़ाई वढ़ाई यहीं पर बैठ के करूंगी ताकि हम दरोगा भी बन जाए। दरोगा बनने जा रही है लेकिन अब प्यार का भूत इसके सिर पर कैसा चढ़ गया है आए दिन। आपको बता दें हमारे साथ बिहार पटना की अभी वही पूजा है जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में चल रही हैं। और आपको बता दें कि अभी ये महिला थाना गई थी लेकिन वहाँ पे भी इनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, लेकिन इनको न वहाँ से कोई सपोर्ट न सहयोग मिला और ये फिर अपने ससुराल में आकर धरना में बैठ चुके हैं। और आपको बता दें कि इनके बारे में एक जो रियल कहानी है ये वही पूजा है, ये बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकाल कर फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि एक बिहार दरोगा बनने वाली लड़की जो बनने जा रही है और वो किसी के प्यार में पागल होकर अब आके ससुराल में धरना पर बैठ गई है। क्या लगता है आपको कि आप इतना पढ़ी लिखी शिक्षित होकर और इस प्रकार का कार्य कर रही, समाज में इससे कितना आपका नाम खराब हो रहा है, क्यों ऐसा कर रही हो पूजा? भैया वो समाज में तो नाम खराब कर रही हूँ मैं, लेकिन एक बार मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और वो एक बार सच का साथ दे देते हैं। हाँ। जो भी सही, ये नहीं कर रही हूँ कि मेरा साथ दो या अपनी मम्मी का, क्योंकि सच हमको भी पता है, उनको भी पता है और मेरी भी फैमिली को भी पता है, मेरी सासू माँ को भी पता है, दोनों फैमिली को पता है कि सच क्या है। वो एक बार सच का साथ दे देते हैं तो दरोगा क्या, यहाँ DSP जो भी रहेगा हम सारा चीज़ एग्ज़ाम निकालने के लिए रेडी रहेंगे। अब आप समझ सकती हैं ये लड़की कितना हिम्मत वाली है। वो कह रही कि केवल एक बार मेरा हस्बैंड मेरा साथ दे दे तो मैं दरोगा नहीं, मैं SP DSP बन सकती हूँ। सही है ये? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है, कैसे इतना ज़्यादा प्यार में पागल हो जाती हो ये बताओ। जब तुम खुद एक दिन दरोगा बन जाओगी, अगर इस प्रकार की केस तुम्हारे सामने आएगी तुम कैसे हैंडल करोगी, तुम बताओ। आज जिस दिक्कतों का सामना तुम कर रही हो लेकिन कल ऐसे कोई केस आ जाएगी किसी प्यार प्रसंग का मामला, कैसे हैंडल करोगी बताओ। मेरे ख्याल से तो मेरे को देखकर तो पूरी दुनिया अब प्यार व्यार पे भरोसा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। अजब तुम्हारे जैसे तैसे बहुत सारी केस आई हैं, बहुत तमाम लड़कों के साथ, तमाम लड़कियों के साथ बहुत दिक्कतें आई हुई, सरेआम चलते हुए रोड पर कितनी दिक्कतें आ जाती हैं लड़कियों के साथ, छेड़छाड़ आए दिन ये सब आता रहता है। ये इन सारे प्रकरण से तुम्हारा दिमाग नहीं खुला? फिलहाल भैया हम ये सब चीज़ में हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक ना। हाँ। सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड पर ही ध्यान दी, वो भी अपना यहाँ से निकलते 10:30 बजे तो अपना दुकान पे जाते थे, मिलना रहता था तो हम लोग सुबह में मिल लेते थे 6 बजे। डेली अच्छा मिलती थी कि कभी काल मिलती थी? नहीं, संडे को संडे हम लोग मिलते थे। अच्छा, संडे मिलते। हाँ, हाँ। 10:30 बजे वो जाते थे, 8:30-9:30 बजे वो घर आते थे, ठीक ना। हाँ। मैं भी अपना 10 बजे क्लास जाती थी तो 5:30-6 बजे हम भी अपना घर पे आते थे। हमको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, अपना क्लास से घर, घर से क्लास। अच्छा, बस मोबाइल वगैरह आप नहीं यूज करती थी? मोबाइल यूज करती हूँ बस उसको वीडियो कॉल करने के लिए या बात करने के लिए, ऐसे हम फालतू के लिए नहीं। हाँ, हाँ। मेरे सर ऑनलाइन क्लास करवाते उसके लिए, और कुछ के लिए नहीं। हाँ, हाँ। केवल इतने के लिए वीडियो कॉलिंग बात करते थे। अच्छा ये बताइए कि जब उसका आपके साथ अच्छे से बैठता था गणेश के साथ, तो फिर ये बीच में कैसे दिक्कतें आने लगी, कैसे प्रॉब्लम आने लगी? अच्छा जब वो उससे आपसे प्यार मोहब्बत से बातें होती थी तो शादी उदी को लेकर कैसे बातचीत होती थी? जैसे कि मैंने उसको पैसा वैसा दी थी ना, तो मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, तो मेरे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाई वढ़ाई बंद करवा दिया। मैं पढ़ने के लिए बहुत रहती थी तो गन्नू हमको बोला, सॉरी मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको पढ़ाई करना है, तुम दिल्ली के लिए निकलो। मैं दिल्ली के लिए निकली, मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं दिल्ली के लिए निकल गई हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि लड़का भी साथ में हो, तो मेरे घर पर यहाँ पर मेरे ससुराल में सब आ गए थे, तो मैं दिल्ली में, तो मैं अकेले थी। मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे को ये ट्रेन पर बैठा दिए थे, ठीक ना। उसके चले तो फिर मिर्ज़ापुर में मुझे उतार दिए थे, मेरे चाचा लोग मिर्ज़ापुर में उतार दे, प्रशासन को बोल कर मुझे उतार दे। मैं यहाँ पर आए तो मेरे चाचा लोग लेकर आए मिर्ज़ापुर से, यहाँ पर लाने के बाद फिर यहाँ पर लाएंगे घर पे हम अपना, तो मैं बहुत रोती होती थी, बहुत खाना वाना पीना सब छोड़ देती।
छोड़ने के बाद फिर मेरे ये क्या कहते हैं मेरे चाचा लोग को देखे कि लड़की बिना मतलब उसके बिना नहीं रह पाएगी, तो मेरे चाचा लोग यहाँ पर आए शादी के बात करने के लिए, तो उन्होंने बोले कि 51 लाख तिलक हमको चाहिए, मेरे पापा नहीं है तो मेरे चाचा ही सब चीज़ करे, तो उन्होंने बोले कि नहीं 5 लाख हम तिलक देंगे और जो चीज़ चाहिए वो सब हम देंगे। अच्छा, अभी आप महिला थाना गई थी, महिला थाना पुलिस प्रशासन से वहाँ अंदर पर क्या कुछ बातें होती है जरा वो दर्शकों को बताओ, कितना तुम्हारा सहयोग सपोर्ट बिहार प्रशासन कर रही है? बिहार प्रशासन तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रही, अगर सपोर्ट देती तो मुझे आज मार खाने के लिए नहीं रखते, मुझे इंसाफ दिलाते। मेरे हस्बैंड को कई हस्बैंड को तो लेकर तो बाईपास थाने वाले प्रशासन ने लेके गए थे, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड को बताया नहीं कि कहाँ है नहीं है। आज जब तुम्हें महिला थाना में सुलह करने के लिए बुलाया गया था कि तुम्हारे पति और तुमको बैठा कर समझाया जाएगा, फिर वहाँ जब तुम पहुँचती हो तो थाने का पूरा क्या रिएक्शन होता है? जब हम वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, हम पहले अपने हस्बैंड को ढूंढने लगे क्योंकि हमको देखने बहुत मन कर रहा था, देखने का मन कर रहा था, बहुत मन करता है। भैया जानते बताए बिना बात के हुए हम लोग एक दिन भी नहीं रहते थे, आज ऐसा ना बता गया ना भैया कि एक एक महीना हम लोग बिना बात किए हुए। तो हम उनको देख मतलब जैसे थाना पे पहुंची उनको देखने का मन करने लगा बहुत भैया, फिर मैंने देखने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मैं तगड़ा प्यार है पूजा, मैंने प्रशासन को बोल लिया कि मेरे हस्बैंड काम, तो उन्होंने बोले कि तुम पे केस कर कर वो चल गया। मुझे विश्वास नहीं बनता कि मेरे हस्बैंड मुझ पे केस करके जाएगा। आप ये देख सकते हैं बेचारी कितना परेशान है कि आपको बता दें एक प्रकार से हम क्या कहें कि ये लड़की कहीं कहीं दरोगा बनने जा रही है, लेकिन अब प्यार का भूत इसके सिर पर कैसा चढ़ गया है। आए दिन बिहार में ऐसे वीडियो तमाम वीडियो ऐसे वायरल होते रहते हैं कि कह रही है कि थाने पहुंचते ही हमने सोचा कि हमारे हस्बैंड कहाँ है और कहकर रोने लगे। फिर अच्छा पुलिस प्रशासन आपको क्या कहती है? बोले कि तुम पे केस करके वो चल गए, तुमको केस करना है तो कर दो। तो मैंने भी उन पे केस कर दी, उनकी मम्मी हमको मारी हो रही है, मैंने भी केस की हो, अब तो पता है कि केस लड़ना ही पड़ेगा, तो अब कल से हम अपना पढ़ाई वढ़ाई यहीं पर बैठ के करूँगी ताकि अब हम दरोगा भी बन जाए। दरोगा निकाल के रहोगे? अच्छा दरोगा का एग्जाम निकाल ली हो, खाली फिजिकल बचा हुआ है? मैंने पीटी एग्जाम दी हूँ, मेंस निकाले, मैंने अपने सर को बताया थी, मेरे सर का नाम गौतम सर है, मैंने उनको बताया कि सर मेरा इतना इतना सही हुआ, मेरा 70 क्वेश्चन सही हो गया, तो सर बोले तुम निकल जाएगी, मेरा मेंस निकालना था, मैंने गन्नू को बताया नहीं क्योंकि उस टाइम मुझसे बात ही नहीं हुआ था, बात होता ना तो उसको बताती, बहुत खुश होता वो क्योंकि मेरा जॉब से ज़्यादा मेरी खुशी से ज़्यादा वो खुश होते हैं। मेरा भी सपना है कि दरोगा बन के उनको पहले सैल्यूट करूँ। अच्छा ये बताइए जब आप ये परीक्षा नहीं दी थी तब उससे ये बताती थी कि मुझे पढ़ लिख कर दरोगा बनना है, या अपने करियर को लेकर जब बताती कितना सहयोग सपोर्ट आपका करता था? वो सपोर्ट करता था मुझे व्हाट्सएप पे, ना मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मुझे ना हर एक वीडियो भेजता था कि देख पूजा ऐसे ऐसे बनाया करो, मैं बनाती थी भी, मैथ पढ़ाता था, हाँ हमसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि पूजा ऐसे ऐसे बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपको बता दे साहब कि लड़कियों की भावनात्मक अगर हम बात करें तो ये जुड़ जाती हैं लेकिन परिणाम नहीं समझ पाती हैं कि आगे परिणाम क्या होगा। आपको बता दे कि वही गणेश जो लगातार इनको प्यार का झांसा देकर कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे शादी करूंगा, लेकिन जबरी जब गांव वाले शादी करा देते हैं अब यही पूजा यहां ससुराल में बैठ जाती है। अच्छा अभी आप यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपको बिस्तर उस्तर दे दिया गया, आप धरती पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकते, वो भी आएगा तो बोलेगा कि तुम ऐसे ही राम रहने के लिए रेडी है, लेकिन मेरा हस्बैंड आ जाएगा तो मैं सब चीज सही कर दूं। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो आ जाएगा तुम्हारी ही बात मानेगा? सही का साथ तो देगा वो, हमको पता है, अभी अपनी मम्मी का बात सुन रहा है, अगर वो न्यूज देख रहा होगा ना तो पक्का वो मेरा साथ देगा। तो आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूजा पूरी तरह से परेशान है, अब देखिए गणेश इसका साथ देता है कि नहीं देता है। फिलहाल ये वीडियो हम बिहार पटना से शूट कर रहे हैं, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, धन्यवाद।